या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 482। 9th of December, year 2000, my voice in the morning met Khayal at Nur Jamaat Khana of Chicago. Yali Madad. Av mara swami raja dharmi raja ture naam so re maro man ro aando mala nazar imam pe salat padho mam ahmed in karo बैतुल ख्याल जो हमारे मजहब की एक आला चीज है, हकीकत में यह खुदा की मोहब्बत की बात है, यह इश्क की बात है कि हम उससे मिलना चाहते हैं। वो लोग जो बैतुल ख्याल को समझते हैं, उनके दिल के अंदर ये एहसास होता है कि हम अपनी असल जगह से दूर हो गए। हमारी असल क्या है? खुद खुदा ताला की जात पाक है, खुदा का नूर है, उसने हमें खल्क किया, उसने हमें पैदा किया, हमें जिस्म भी दिया, हमें रूह भी दी। जिस तरह से उसने हमारा बदन बनाया, इसी तरह से उसने हमारी रूह को पैदा किया। यहां पैदा करने का जो लफ्ज उर्दू जबान का है ना, वो सच पूछो तो मुनासिब नहीं। पैदा करना हम कहते हैं जैसे कि मां एक बच्चा पैदा करती है, इस तरह खुदा ताला ने हमें पैदा नहीं किया। लेकिन अरबी जबान का जो लफ्ज है ना, खल्क किया, उसने हमें क्रिएट किया, खुदा ने हमें खल्क किया, मिट्टी का पुतला बनाया। यहां मिट्टी के पुतले का मतलब है इंसान खाक में से पैदा होता है। इसी दुनिया की जो कुछ भी हम देखते हैं वो जमीन में से निकला है और इसी जमीन में हम वापस चले जाते हैं। लेकिन खुदा ने हमें अपने साथ ताल्लुक कायम रहे उसके लिए रूह पैदा की। अभी जो रूह है वो खुदा का नूर है। मैंने अपने एक जमान में वाल्स के अंदर अभी अभी थोड़े दिनों पहले ही शायद यहां या अटलांटा के अंदर जिक्र किया है कि खुदा ने अपने नूर में से सबसे पहले मोहम्मद के नूर को जुदा किया। ये लफ्ज बिल्कुल बराबर है, मोहम्मद के नूर को जुदा किया, खल्क नहीं किया, मोहम्मद के नूर को अपने नूर से जुदा किया और मोहम्मद के नूर से सारी कायनात पैदा की। जितने भी क्रिएशन है कि जिसका हम तखयुल भी नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते, हम इमेजिन नहीं कर सकते, ये तमाम चीज मोहम्मद के नूर से पैदा हुई है। और उसका यह मतलब नहीं है कि एक दफा खुदा ने बना दिया और फिर खत्म हो गया सिलसिला, नहीं, खुदा की खलकत जारी है। मोहम्मद के नूर से नई नई दुनिया बन रही है। और मैं अपनी आवाज में यह जिक्र भी किया कि अगरचे हम खुदा को खालिक कहते हैं, लेकिन खुद मोहम्मद ने हमें फरमाया है कि खुदा ने मेरे नूर को अपने नूर से जुदा किया और मेरे नूर से तमाम खलकत पैदा की, और खलकत पैदा हो रही है। मोहम्मद का नूर खत्म नहीं हुआ, मोहम्मद का नूर जारी है, मोहम्मद के नूर की खलकत भी जारी है। वो लोग के जो साइंस की किताबें पढ़ते रहते हैं, खसूसी तौर पे
फिजिक्स के तौर पे इसकी रिपोर्ट्स नई नई आती जाती हैं। बहुत बरस हुए स्पेस के अंदर हबल टेलीस्कोप भेजी गई, उसकी नई नई रिपोर्ट्स जो हमें मिलती हैं वो लोग के जो इस बात में इंटरेस्टेड हैं उनको ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। अभी इन लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये इकरार किया है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, यानी फैल रहा है। हकीकत में यह है कि नए नए यूनिवर्स पैदा हो रहे हैं। खुदा की इस अजमत को, उसकी ताकत को महसूस करने के लिए हमें कुछ इल्म की जरूरत होती है। जब ही मस्जिद में हम जाते हैं और नमाज पढ़ी जाती है तो सलाम फेरने के बाद नमाज पढ़ाने वाला ये जो किबला रूह होके नमाज पढ़ाते हैं तो उधर मेहराब होती है किबला की निशानी के तौर पे, उसके सामने बैठ के मुल्ला नमाज पढ़ाता है। जब ये नमाज पूरी हो जाती, सलाम फेरते हैं तो सामने देख के वो मुल्ला बोलता है, अस्सलामु अलैका या अय्युहुन नबीयो, यानी आए नबी या नबी, आपके ऊपर हमारी सलाम हो। यानी नबी सामने बैठे हैं, ये सीगा हाजिर है, प्रेजेंट टेंस के अंदर मुखातिब होके कह रहा है, या नबी आप पर हमारा सलाम हो। यानी नबी को हाजिर समझा जाता है और ये सच्ची बात है और हकीकत भी है कि नबी हाजिर है, क्योंकि तमाम खलकत नबी ने बनाई। नबी का मतलब ये नहीं कि मोहम्मद का जो बॉडी थी उससे मेरा मतलब नहीं, मैं अभी बोल चुका हूं कि नबी के नूर से बनी और नई नई खलकत जारी है, नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, सिर्फ इंसानों के नहीं जानवरों के भी नए नए दरख्त पैदा हो रहे हैं, नई नई भाजी बकाला और वन निबातात पैदा हो रही है, यह सिलसिला जारी है। और जब तक ये जमीन रहेगी, जमीन पे जारी रहेगा, और जब तक ये बाकी दुनियाएं हैं आसमान पे वो भी जारी रहेंगी। मोहम्मद का नूर हर वक्त मौजूद है, तो हमारा जो बदन है वो मोहम्मद के नूर से बना, और इसके अंदर जो जान है जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं, हकीकत में वो मोहम्मद का नूर है। हमारे अंदर जो जान है, हमने बेजान हो गया यानी जान निकल गई, जान मोहम्मद का नूर है और हमारी रूह वो अली का नूर है। और बैतुल ख्याल क्या है? इस जीव को जो मोहम्मद का नूर है, हम इसको इतना ऊंचा उठाएं कि अली के नूर के साथ मिल जाए, ये वासल हक हो गया, फनाफिल्ला हो गया। बैतुल ख्याल का एम ये है, हम अपने जीव को जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं, हमारे पीरों ने ये लफ्ज सिखाया हमको गिनानों में, जीव, इसको प्राण भी कहते हैं संस्कृत जबान के अंदर। जैसे कि एक जगह पिसदरदीन माँ बाप फरमाते हैं, प्राण पुरुष तो अमर छे, काया मरी मरी जाए। प्राण का पुरुष रूह, प्राण है वो हमारी जिंदगी है, जीव है, जान है, और उसका पुरुष यानी मालिक रूह है। फरमाते हैं कि प्राण का पुरुष जो है, मालिक जो है, वो अमर है, हमेशा जिंदा है, उसको मौत नहीं। काया मरी मरी जाए, काया मर जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खाक हो जाती है, और वो चीज हमेशा रहती है। जिस तरह आपको मैंने बिगिनिंग में कहा कि अल्लाह ने अपने नूर से मोहम्मद का नूर जुदा किया, तो बाकी अल्लाह अली है,
मोहम्मद के नूर जुदा करने से पहले अल्लाह है। मोहम्मद के नूर को जुदा किया तो खुद अली बना। अब मैं आपको फिर एक इशारा बताऊं, हमारी पुरानी दुआ थी, पंचपाठी पढ़ने के बाद हम पढ़ा करते थे, हम पढ़ते थे कि अली मोहम्मद यक खुदा हक शनासी दफे भला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन अली सही अल्लाह। हम ये उस वक्त पढ़ा करते थे कि अली और मोहम्मद इसी का नाम खुदा है, यही अल्लाह है। और ये चीज आज से 1000 साल पहले, क्योंकि हमारे शास्त्र में हमारे किताबों के तो अंदर बहुत पुराना है, लेकिन मौलाना रूमी ने भी इस चीज का जिक्र किया। मौलाना रूमी इस्माइली था, इस्माइली का मुरीद था, शम्स तबरेज़ मौलाना अलाउद्दीन मोहम्मद के बेटे थे और इमाम रुकनुद्दीन खोरशाह के भाई थे। रूमी लिखता है, ऐ मोहम्मद, अल्लाह कहता है, ऐ मोहम्मद, अगर तू ना होता तो मैं खलकत ना करता, यानी कि खलकत जो है वो तेरी वजह से हुई है, लेकिन अगर अली ना होते तो तू भी ना होता। अब अली खुद खुदा की जात है, खुदा ताला ने मोहम्मद को जुदा किया, मोहम्मद के नूर को, मेरा मतलब खुद अली रहा। और ये दोनों चीजें हमारे अंदर हैं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि हमारे ये जो जान है वो मोहम्मद है और रूह है वो अली है। फनाफिल्ला क्या है? इन दोनों को हम अपनी जिंदगी में मिला दें, हम ऐसे बन जाएं कि हमारी जो जान है वो हमारे रूह के साथ मिल जाए। मगर जिस वक्त ये बात बनेगी तो मौत उसी वक्त हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इंसान की जिंदगी ये है कि मोहम्मद जान रहवे, अली रूह रहवे। ये भेद बैतुल ख्याल में है। बैतुल ख्याल इश्क की बात है। ए जी आदम आद निरंजन, यहां लोग पढ़ते हैं आदम आद, आदम नहीं है, आदन, ऐन अलीफ दाल और ऊपर तशदीद है, जैसे फौरन के ऊपर फे वाओ रे अलीफ और तशदीद होती है, इस तरह ये आदन आद। आद वो वक्त है कि जब खुदा ने खलकत पैदा करनी शुरू की, खल्क करना शुरू किया, और आदन आद यानी आद के भी आद, उसके पहले की बात है, ये उस वक्त की बात है कि जब मोहम्मद का नूर जुदा हो गया, उस वक्त को पीर हसन कबीरुद्दीन ने आदन आद कहा है। निरंजन, बिल्कुल निरंजन था, यानी कोई उसकी शक्ल शबाहत कुछ नहीं थी, जो आंख से नजर ना आवे वो निरंजन है, जो समझ ना आवे वो भी निरंजन है। निर्गुण आपे अरूप, वो निर्गुण यानी हम उसकी कोई सिफत बयान नहीं कर सकते थे, सिफत बेहिसाब है, लेकिन वो उस वक्त बिल्कुल अकेला था, उसकी सिफतें भी नहीं जाहिर हुई थी। निर्गुण आपे अरूप, उसका कोई रूप नहीं था। असल हमारा स्वामी तमें जुदा पड़िया थे रूप मेहर करो मोरा साईया अबड़ा शरण तुम्हारे। कितना अच्छा पाठ है ये, कोई चीज नहीं, कोई शय नहीं थी, निर्गुण था, निरूप था, निर्गुण था, और फिर उसने ये खलकत शुरू की, मोहम्मद का नूर जुदा किया, मोहम्मद के नूर से खलकत बनाई,
और हमारी रूहों को अपने नूर में से बनाया। ये जुदाई का वाकया, जुदाई का एहसास, ये 50 पाठ की जो विनती भी रसन कबीर दिन की, इसके एक एक पाठ में ये चीज जाहिर होती है। औरत बनके जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने मर्द के पास रुखसती लेके अपने माँ बाप के घर से जाती है, इसको एक पिक्चर बना के अपनी उस हालत का बयान किया है कि ऐ मौला, तेरे नूर से हम जुदा होके आज तक हम तड़प रहे हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों बरस हो चुके हैं, हम ये चल रहे हैं, चल रहे हैं, अभी तक तेरे तक पहुंचे नहीं हैं। पीर रसन कबीर दिन कितनी ही हलीमी के साथ, आजजी के साथ कह रहे हैं, चाली चाली ने हमें थकी रहा मौला, चल चल के अब मैं थक गई हूं, हवे नहीं चला, अभी तू रहम कर, निकाह हो चुका है, अब तू मुझे कबूल कर ले। ये उस जुदाई का जिक्र है कि जब खुदा ने हमारी रूह को हमारे कालिब के अंदर रखा, हम उससे जुदा हुए हैं। इसका एक इशारा हमारी कुरान पाक में है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम खुदा के लिए हैं और वापस उसके पास जाना है। इस जुदाई का एहसास बेतुल ख्याल है। रूमी की मसनवी शुरू करो, सुल्तान मोहम्मद शाह दातार बहुत इसके लिए फरमाया करते थे कि तुम्हें मजहब सीखना है तो रूमी की मसनवी पढ़ो। रूमी की मसनवी किस चीज ने उसको एहसास दिलाया? रूमी शायर नहीं था, शायर बन गया। जैसे कि हाफिज हकीकत में शायर था, मगर शायरी करने के लिए कोई चीज ने उसको हरकत दे दी। एक दफा मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने मेरा छोटा सा इम्तिहान लिया, मुझे 3 सवाल किए, 2 में मैं पास हुआ, 1 में फेल हो गया। जिसमें मैं फेल हो गया वो ये था, मौला मुझे पूछते हैं कि फारसी जबान का सबसे अच्छा शायर कौन है, कौन कौन है? मैंने कहा रूमी, हाफिज, शिराजी यानी कि सादी। मौला ने मुझे से मुंह बनाया, मैंने निगाहें नीची कर ली। मौला फरमाया रूमी शायर नहीं था, मुझे खुद को पता नहीं था ये बात का, मैं तो रूमी को शायर समझता रहा। मौला मुझे बोले रूमी शायर नहीं था, हाँ हाफिज शायर था, सादी शायर था, लेकिन रूमी शायर बन गया। शम्स तबरेज की मोहब्बत में रूमी शायर बन गया। रूमी एक दफा जा रहा था, अब मैं अपनी बातें करता हूं, रूमी जा रहा था और ये वो वक्त था कि शम्स तबरेज उसको झलक दे के चले गए। शम्स तबरेज की उम्र 18 साल की, रूमी 40 बरस का था और वो उस जमाने का सबसे बड़ा आलिम शख्स था। इल्म उसका इतना बढ़ गया कि अब खुदा ने ये देखा कि इसको बख्शीश दूं, और उसका उस्ताद कोई नहीं था, लेकिन तैयार हो गया था। हमारे पीरों के गिनान में है ना कि जब ये फल पक जाता है तो वो गिर पड़ता है या तोड़ा जाता है। रूमी इस हद तक पहुंच गया था कि अब उसको खुदा की शनाख्त बताई जाए कि जो उसके पास नहीं थी। उसके शागिर्द बैठे थे जमीन पे, हाउस का किनारा था और हाउस के किनारे के स्विमिंग पूल तो नहीं था लेकिन पूल था, उस किनारे पे बैठे हुए रूमी अपने शागिर्दों को इल्म दे रहे हैं। बाजू में कुछ किताबें पड़ी हुई हैं, 18 साल का लड़का नाचता दौड़ता मस्ती के अंदर चला आया और आके इसके पास, किताबों के पास बैठ गया। अभी रूमी और शम्स तबरेज के बीच में ये किताबें पड़ी हैं।
अब ये 18 साल का एक फकीर की तरह का लड़का भाग के चला आया, शागिर्दों को जरा पसंद ना हुआ, लेकिन उस्ताद के दबदबे और उसके अदब के ख्याल से कुछ बोले नहीं, ऐन सिखाने के अंदर बोल रहे हैं, तवज्जो हो रही है, इसने खलल किया, शम्स तबरेज़ ने खलल किया। इसने आंखे से ऐसा देखा, शम्स तबरेज़ चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर खलल किया, खलल क्या किया, किताबों के ऊपर हाथ मारा, फिर उसने देखा, फिर छोड़ दिया, और ये शागिर्द बिगड़ रहे थे। तीसरी दफा फिर जब उसने ऐसा किया तो जरा को गुस्से से पूछा, क्या है? तो शम्स तबरेज़ कहते हैं, इसमें क्या है, यानी किताबों के, कुछ नहीं। यानी ये समझ के कि ये एक मामूली सा शख्स है, बेपढ़ा लिखा है, यहां रूमी जैसे आलिम के शागिर्द बैठे हैं, दुनिया भर का इलम सीखा जा रहा है और उसमें ये खलल किया। अब जो इसने कहा ना कुछ नहीं, तो शम्स तबरेज़ ने किताबें उठा के पानी में फेंक दी, गुड़ूम आवाज जो आई, शागिर्द खड़े हो गए, रूमी खड़ा हो गया, कलेजे पे हाथ रखा, ये तूने क्या किया? आंखों में आंसू आ गए और शम्स तबरेज़ हंस रहे हैं। जब देखा कि अभी हालत बहुत बिगड़ गई, आस्तीन उठाई, अंदर हाथ डाल के एक किताब निकाली, ऐसा किया, उसमें से धूल निकली और किताब को पानी नहीं लगा, हैरान रह गया। दूसरी किताब निकाली, तीसरी, सब किताबें बाहर निकाली और ऐसा झटका देवे तो उसमें से धूल गिर्द गुबार निकले, हाथ लगाया पानी की नहीं है, उसको खोल के देखा पानी नहीं है, पानी में किताबें गई और पानी नहीं लगा। क्योंकि बहुत बड़े आलिम थे, उस दरजे तक पहुंच गए थे कि अब खुदा उसको ऊपर उठा ले, ये एक ऐसा हथौड़ा था उसके दिलो दिमाग के ऊपर, खुद शागिर्दों पर भी, लेकिन रूमी पे ज्यादा असर हुआ। अब ये हक्का बक्का मकाम हैरत, इबादत में एक ऐसी जगह आती है कि जहां इंसान हैरान हो जाता है, इसको मकाम हैरत कहते हैं, और इस हैरत की जगह के ऊपर इंसान को कुछ सूझता नहीं, सिर्फ यही कि ये क्या हुआ। ऐन इस मौका पे शम्स तबरेज़ उठ के चले गए और इसकी अभी तक सुध वापस नहीं आई, खड़े का खड़ा रहा, देखता रहा कि जिसने हथौड़ा मारा है वो जा रहा है, लेकिन पांव जम गए हैं, ताकत निकल चुकी है उसके पीछे भागने के लिए, अब वो आंखों से गायब हो गया। और कुछ देर के बाद जब सुध में आए तब इसको ऐसा, ये क्या हुआ, अब वो शम्स को ढूंढने निकले हैं और शम्स नहीं मिलता। इस शहर में जावे, उस शहर में जावे, पूछता रहे, ये सिलसिला सिखाने का बंद हो गया, शागिर्द हैरान है, उसको कोस रहे हैं, हमारी तालीम खत्म कर दी, इसके घर जावे वो कहे मेरा दिमाग ठीक नहीं है, चले जाओ। और शागिर्द परेशान है, शागिर्द इधर उधर जा रहे हैं, शम्स को ढूंढ रहे हैं। 3 बरस के बाद मिला, लेकिन ये 3 बरस उसने इस तरह निकाले कि जिस तरह कबाब आग पे सेका जाता है। एंड इस वक्त, इस मौका पे, जुदाई के इस गम और रंज के अंदर, दुख के अंदर ये जा रहा है, बाजार के कोने पे एक आदमी बैठा है और फ्लूट बजा रहा है, मुरली बजा रहा है, ये खड़ा हो गया, रूमी खड़ा हो गया, सुनता रहा और रोता रहा, रोना काहे का, उसमें कोई गाना नहीं था, महज म्यूजिक था। तो इसकी इस शिद्दत की जुदाई के गम के अंदर इसकी जबान से शेर निकलने शुरू हुए, यहां से इसकी शायरी शुरू होती है। बिश्नो अज नए चूं हिकायत मी कुनद, सुनो सुनो लोगो सुनो, ये जो नए है यानी मुरली जो है बांसली, ये क्या कह रही है, कोई हिकायत बयान कर रही है,
विष्णु अस्नये चुहिकायत मिकुनद वसजुदाई हा शिकायत मिकुनद। ये अपनी जुदाई की शिकायत कर रही है, सुनो सुनो सुनो, ये अपनी जुदाई की शिकायत कर रही है। कजनेस्ता तामरा बबुरीदा अंग, मेरे को मेरी असल से काट के जुदा कर दिया गया, क्योंकि जो बांसुरी है वो बांस के दरख्त को काट के उसको दो जो किनारे होते हैं साफ करके उसमें से बांसुरी बजाते हैं। कजनेस्ता तामरा बबुरीदा अंग वज जुदाई हा शिकायत मिकुन मर्द जन अज शिकवाए मा मर्द जन नाली दांद। मैं जरा भूल गया, सुनो, मुझको मेरी असल से काट के जुदा कर दिया गया। इस दर्द और गम औरत मर्द सुन के रोते हैं। अब इसने रोना शुरू किया, इसकी मसनवी क्या ये आगाज है, इसने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से मसनवी शुरू नहीं की। और आज तक 1000 साल हुआ, दुनिया के आलिमों ने जो मुसलमान ऑर्थोडॉक्स हैं वो इस बात के ऊपर जरा तनाजा करते हैं कि ऐसा बड़ा आलिम और उसने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से मसनवी शुरू नहीं की। मैंने आपको ये हकीकत ये जाहिर करने के लिए कि हमारी जो बैतुल ख्याल की जो चीज है हकीकत में वो इश्क की बात है। हम लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं, ये मामूली चीज नहीं। ऐसा महसूस करता हूं कि किसी कुंभार को एक हीरा मिल गया कहीं से जो उसकी कीमत नहीं जानता। हमारा हाल ऐसा है, बैतुल ख्याल कोई इजी चीज नहीं। अभी सुहाज़ इमाम के फरमान पढ़े गए, मुश्किल चीज है। मुश्किल इसके लिए कि बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और जब माशूक की जुदाई लगती है तो उसके अंदर फिर उस आदमी की जिंदगी में कुछ को और कुछ सूझता नहीं। अवगुर नर स्वामी साथ जेन जीवे दिल में इमाम की मोहब्बत पैदा नहीं होती, जब तक कि हम अपने मौला की इस मोहब्बत को समझ नहीं सकते, हमें नूर की बख्शिश नहीं मिलती। नूर उस वक्त मिलता है जब हम तैयार होते हैं, और तैयारी उस वक्त होती है कि जब उसके सिवा बाकी सब मिट जाता है। जिस तरह हम सूरज को देखें या कोई बड़ी जबरदस्त लाइट को देख के आंखें बंद करें तो हमें कोई चीज नजर नहीं आती, अगर खोले तो भी कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ वो लाइट का एक गोला नजर आता है। बैतुल ख्याल मौला की मोहब्बत की चीजें हैं। 2-3 दफा शम्स तबरेज रूमी को मिले 2-2, 3-3 बरस की जुदाई के बाद। एक दफा गुम हो गए, किसी ने इशारा किया कि कब्रिस्तान में बैठा है।
रूमी भागा, कब्रिस्तान के अंदर मस्जिद बनी थी, उसके ऊपर एक छोटी सी कोठड़ी थी। जब आया तो देखा ऊपर बैठा है, देख के खुश हो गया। आशिक को इससे ज्यादा कभी खुशी नहीं होती कि जुदाई के बाद उसको महबूब का दर्शन हो गए। खुशी से बेताब हो गया, बहुत देर तक देखता रहा, शम्स इसको देखते रहे। अब इसको होश आया कि चलो मैं ऊपर जाऊं। रूमी ऊपर गया सीढ़ियों से, तो जहां वो बैठे थे तो देखा शम्स तो यहां नहीं है, नीचे देखा तो शम्स नीचे खड़े थे। अब भाग के नीचे आया तो शम्स ऊपर बैठा है, फिर ये ऊपर चढ़ा तो शम्स नीचे थे। अब शम्स उसको एक ताना मारते हैं, ओ बेवकूफ, माशूक को मिलने के लिए तुझे सीढ़ियों की जरूरत है, ऊपर से छलांग मार दी, पांव पांव टूट गए। लेकिन शम्स ने कहा ये तरीका है, क्या हमको माशूक से मिलने के लिए सीढ़ियां चाहिए? ये क्या हकीकतें हैं दीनदारों, ये मामूली चीजें नहीं है, ये समझने की चीजें हैं। हमारी जान दिल में है, हार्ट में, और हमारी रूह है वो दिमाग में, अक्ल के अंदर है। रूह का रहना अक्ल में है, अक्ल हमारे दिमाग में है, हमारे मन में कहो, माइंड में कहो, और माइंड है वो ब्रेन में है। ये दिमाग है जो मटेरियल चीज है, दिमाग जो है वो सारे का सारा फैट है, चर्बी है, थोड़ा आगे है, बाकी का पीछे है। आगे का जो ब्रेन है 8-1 ounce जितना, और पीछे का जो ब्रेन है वो लगभग 1.5 pound जितना है। नर्वस सिस्टम सारा उधर पीछे से गर्दन के नीचे से निकल के सारे बदन में फैलता है, लेकिन अक्ल यहां रहती है हमारी परेशानी में। अक्ल के अंदर रूह है, इंटेलिजेंस, और हम अपनी रूह को समझने के लिए अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब रूह को हम मिल लेते हैं तो फिर अक्ल डिस्कार्ड हो जाती है। लंबी और गहरी बातें हैं, एक आवाज में कितना कहूं, इशारे होते हैं। जब भी उस्ताद मिलते हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक गोली देता है शेख, ताकि वो हजम कर सके। मैंने आपको जो अरज की वो ये थी कि आओ हमारा स्वामी राजा, मेरे मौला तू आ, मेरे दिल को बांध ले, कि तेरी जुदाई के अंदर मेरा जो दिल है फड़फड़ा रहा है, इसको सुकून दे। और सुकून तो सिर्फ तुझे मिलने के बाद ही मिलेगा। बैतुल ख्याल हमारे मजहब की सबसे आला चीज है, और हमने इसको मामूली समझ के इस्तेमाल किया है या कर रहे हैं। बैतुल ख्याल बहुत मुश्किल है, क्या करें, दुनिया की मोहब्बत को निकाला जाए। जेने दिल थकी दुनिया विसारी, दिल के अंदर से वे दुनिया की मोहब्बत निकल जानी चाहिए, तब उसकी मोहब्बत आवे। अल्लाह के नामों में एक नाम है अर रकीब। रकीब किसको कहते हैं? एक शख्स को दो प्यार करें, एक मर्द को दो औरतें प्यार करें, या एक औरत को दो मर्द प्यार करें, तो ये दोनों आपस में रकीब हैं। शौकन भी कहते हैं, ये रकीब हैं। और रकीब ये बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे माशूक को कोई दूसरा प्यार करे। अल्लाह को रकाबत है, अल्लाह अर रकीब, खुदा के नामों में रकीब है इसका नाम। वो नहीं बर्दाश्त करता कि मेरे को भी दिल में बिठाओ और दुनिया की माल मोहब्बत को भी दिल में बिठाओ। खुदा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं, या तुम उसके हो जाओ या मेरे हो जाओ। ये रकाबत जो है खुदा ताला के नामों में,
یہ اس کی محبت کی نشانی ہے. خدا کو لینا ہے تو پھر دوسری چیزوں کو چھوڑ دو, اور اگر دوسری چیزوں کے پیچھے جانا ہے تو خدا کو چھوڑ دو, اور وہ راضی خوشی سے چلا جائے گا. اسماعیلی مذہب فلسفی ہے, اسماعیلی مذہب عشق کے اوپر دار و مدار رکھتا ہے, مولا کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں. امام سلطان محمد شاہ داتار ایک دفعہ پونہ گئے, یہاں سب انتظام وغیرہ ہو چکا تھا. پونہ اس وقت جنہوں نے پونہ دیکھا ہے, واڑی کا جماعت خانہ تھا, اب وہ تو نیا بن چکا ہے, بیٹھا جماعت خانہ تھا, سامنے بہت بڑا چوگان تھا اور یہ باغ بگیچہ تھا. مولا کی گاڑی آئی, ڈرائیور بیٹھا ہے رائٹ سائڈ پہ, مولا بیٹھے ہیں لیفٹ سائڈ پہ, مکھی کامڑی عملدار کھڑے ہیں کہ مولا کا دروازہ کھول کے گاڑی کا باہر نکل آئے. لیکن مولا ایسا کھسکتے کھسکتے اس دروازے سے نکلے کہ جو اپوزٹ سائڈ کا تھا, تو یہ لوگ دوڑے اس طرف. ایسا نظر دائری دور ایک درخت کے نیچے ایک ایرانی بدخشانی, ایرانی تھا, اسماعیلی کھڑا تھا, اس کے سارے بدن میں کوڑ تھا, لیپرسی تھی. یہ بیماری بہت بری بیماری ہے, آہستہ آہستہ پاؤں کی ہاتھ کی انگلیاں گل جاتی ہیں, کہ جیسے برف کو رکھو تو آہستہ آہستہ برف کیسے گلتی رہتی ہے, اس طرح آدمی کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں گل جاتی ہیں, انگلیاں مٹ جاتی ہیں, ہاتھ گل جاتے ہیں, یہاں تک کہ کلائی تک ہاتھ گل جاتے ہیں, پاؤں گل جاتے ہیں, اور آدمی مر جاتا ہے. سارے بدن میں کوڑ ہوتا ہے, بدبو آتی ہے. ایوب نبی کو خدا تعالیٰ نے یہ کوڑ کی بیماری ہی دی تھی, اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں, جرم ہو جاتے ہیں. اب اس ایرانی کو, خالو کو لیپرسی کی بیماری تھی. 1910-12 کی بات ہے, لگ بھگ 100 سال ہو گئے, اس وقت لیپرسی کی کوئی دوا نہیں تھی, اب تو ہے الحمدللہ. اب مولا ساری جماعت کو چھوڑ دیا, مکھی کامڑیا کو چھوڑ دیا, گھسرتے گھسرتے اس دروازے سے نکلے, ہاتھ میں لکڑی تھی, مولا آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. اور وہ مولا کو اپنی طرف آتے دیکھ کے خوشی سے بے چین ہو رہا ہے, کھڑا تھا نا, ناچنے کی صورت آ گئی, خوش ہو رہا ہے. چھوٹے بچے کو جس طرح ہم کوئی ایسی چیز دیں جو اسے بہت پیاری ہے, ہاتھ کرتا ہے مجھے دے دو. مولا جو جو نزدیک آ رہے ہیں وہ خوشی سے بے چین ہو رہا ہے, ایسا خوش ہو گیا. تھوڑی دور جا کے مولا کھڑے ہو گئے, سب پوچھتے ہیں تو کیسا ہے, کہتے خدا بسیار خوش, میں بہت اچھا ہوں, تیرے کو کوئی دکھ ہے, کچھ دکھ نہیں, تیرے کو کچھ کہنا ہے, کچھ کہنا نہیں. اب دیکھو یہ چیز فرمان میں کلام امام مبین کے اندر لکھی ہوئی ہے. آرڈینریلی آپ دیکھو کہ اتنی بڑی بیماری, ہم اگر ہوئے تو ہم کیا کہیں, یا مولا دیکھ میں کیسا ہوں, دکھی ہوا ہوں, تو میرے لیے دوا دے, کچھ دعا کر, مہربانی کر. سب پوچھتے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوڑ کی بیماری میں لیپرسی کے اندر دکھی ہو رہا, اور وہ درد بھی ہوتی ہے اس میں. سب کہتے ہیں تو کیسے, تو کہتے ہیں بہت اچھا. سامنے معشوق کھڑا ہے, حضرت امام, حضرت امام سامنے کھڑا ہے, اب اس کو کوئی دکھ ہو سکتا ہے, تو کیسا ہے, خدم بہت اچھا, تیرے کو کوئی تکلیف ہے, کچھ نہیں. ارے دیدار کرنے کے بعد یہ کس طرح سے محسوس کرے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے, دکھ تو ہے ہی نہیں, تجھے کچھ کہنا ہے, اب اس سے زیادہ کیا کہوں کہ تو میرے سامنے کھڑا ہے. اللہ میرے اس چیز کو ہضم کرو جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, کس طریقے سے. ماں باپ نے دعا سیس دی, چلایا, ساری جماعت چھوڑ دی, اس کی طرف سب سے پہلے جا کے اس کو دیدار دیا. اب وہ کیسا اچھا عاشق ہوگا, وہ یہ ہے ہمارا مذہب.
मोहब्बत से भरा हुआ है। इमाम के इश्क के अंदर कोई चीज नहीं सोचती। इमाम जो हमें फरमान करते हैं वो हमारी मोहब्बत का रास्ता है। मोहब्बत पैदा करने की बात कर रहा हूं। मोहब्बत कैसे हो गए? वो जो कहता है उस पर अमल करो। अगर मोहब्बत करते हैं तो फिर उसमें उजर होता ही नहीं, जो ने माशूक ने कहा वो होना चाहिए। इमाम के फरमान पे अमल करने से मोहब्बत पैदा होती है, और जब तक उसकी फरमान बरदारी मुकम्मल और कामिल नहीं होती तब तक मोहब्बत पैदा हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर इमाम ये कहते हैं कि तू तीन वक्त दुआ पढ़, और मैं भूल जाता हूं कभी देरी से पढ़ता हूं, तो मतलब यह है कि फरमान बरदारी नहीं हुई। अगर इमाम कहते हैं कि रोज जमात खाने आओ, हाँ क्या करूं, मैं जॉब करूं कि तेरी जमात खाने में आऊं, अल्हम्दुलिल्लाह बैठे रहो, मोहब्बत की बात मत करो। अगर मोहब्बत की बात करते हैं तो फिर उसके लिए तो जान भी देनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक चीज सुनाऊं। इंसान को मोहब्बत दीवाना बना देती है, और दीवानगी के अंदर फिर अक्ल काम नहीं करती। दीवानगी का नाम ही है कि जहां अक्ल की जरूरत नहीं है। इस अदर दिन हमें एक पिक्चर बना के दिखाते हैं, हे पिया कारण पिया माशू मौला हमारा पिया कारण जो दुखड़ा सह रे भाई पिया कारण जो दुखड़ा सहवे दाढ़ी मूछ और मुंडा मुंडा वेरे भाई दाढ़ी मूछ और मुंडा मुंडा वे काला मोकर जग दिखला दिखलावे तो लालन की वो लाली पावे रे भाई तो लालन की वो लाली पावे। क्या बात कही है? पिया कारण दुख आवे तो दुख उठाओ, दाढ़ी मूछ मुंड मुंडावे। दाढ़ी है बुजुर्गी की निशानी है, मूछ है बड़े खानदान की अच्छी पोजीशन की निशानी है, और सिर के बाल हैं ये जवानी और खूबसूरत की निशानी है। अरे पिया कारण दुखड़ा सहवे, दाढ़ी मूछ मुंड मुंडावे, अपनी बुजुर्गी का अपने खानदान का अपनी बड़ाई का उसको कोई ख्याल होना नहीं चाहिए। बेइज्जती वगैरह की बात आवे तो भी क्या है, मौला की खातिर हमको जमीन चाटनी पड़े तो भी क्या है। काला मुंह कर जग दिखलावे का मतलब यह है ऐसा काम के लोग उसको लानत दे, अरे देखा क्या काम किया, क्या काम किया, या लोग उसके ऊपर मेरे मारे। काला मुंह का मतलब यह है कि कोई आदमी ने ऐसा बुरा काम किया कि लोगों को पसंद नहीं आया। मतलब क्या है कि अपने आप को मिटा डालो, धूल मिट्टी की तरह बना डालो तो लालन की लाली पाओ, तब जाके करो।
13 बरस, बास किताबों में 9 बरस लिखे हैं, रूमी 13 बरस शम्स तब्रेज के पीछे। दुनिया का सबसे बड़ा शरीयती आलिम, शराब हराम, मेरा मुर्शिद शराब पीता है लेकिन उठा, मोहब्बत है थोड़ा सा इसको, वो बड़ाई का ख्याल आ गया। जब तक के मौला अच्छी तरह से पीस न डाले तब तक वो अपना आप देता नहीं है। शम्स तब्रेज ने आप देखो उसके ऊपर उसको पीस डालने का एक हमला किया कि मुझे शराब पीनी है, गया एक शराब बेचने वाले की दुकान पे जाके, लेकिन इसने क्या किया, अपना मुंह बुक्कल में चादर के अंदर इस तरह लपेटा कि पता न लगे कि कौन है। शराब बेचने वाले ने इसकी आवाज पहचान ली, मौलाना रूमी, इशारा किया चुप रहो। बड़ा खुश हुआ कि मौलाना रूमी मेरे शराब खाने में शराब लेने, जल्दी से एक बोतल भरी और इसको दी। कहता ऐसा नहीं, इसको डोरी से बांध दे। उसने डोरी ली, बांध दिया। अब डोरी पकड़, कहता नहीं नहीं, एक लकड़ी लेके उसके किनारे पे डोरी बांधी और ऐसा करके, यानी बोतल पीछे लटक रही है, इधर लकड़ी रख के मौलाना रूमी चले अपने मुर्शिद के पास शराब पिलाने के लिए। अरे अगर मुर्शिद ने कहा कि मेरे लिए शराब ला तो उसको कलेजे से लगा के ला, लेकिन इसने थोड़ा ये एहसास किया, शरीयत अभी तक इसके दिमाग में थी। चला आता है 20,000 दिन माँ बाप को याद करता, दाढ़ी मूछ मुंड मुंडावे, काला मुंह कर जग दिखलावे। एक चौक में से निकलता था, भीड़ भाड़ बहुत थी, वो डोरी खुल गई होगी, बोतल पड़ गई, टूट गई, शराब की बू फैल गई, लोग खड़े हो गए, किसी ने इसकी चादर निकाली, अरे रूमी, हैरान हो गए। अब उस वक्त रूमी का क्या हाल होगा, काला मुंह हो गया ना, उस वक्त कभी जमीन फट जाए तो उसमें समाज आए, रूमी रूमी शराब, ओहो। अब देखा मौलाना शम्स तब्रेज ने देखा मेरा आशिक जलील हो गया है, भाग के चले आए। दबदबा था आपके चेहरे के ऊपर, लोग हट गए, चीज़ क्या है क्या है क्या है, या हजरत ऐसा बड़ा आलिम, देखो ये शराब पी रहा है। मौलाना रूम ने वो पेंदे के अंदर थोड़ी शराब रह गई थी जमीन से उठाई, ऐसा जो सूंगा है तुम, कहते तो शराब है इन अर के गुलाब, देखो सूंगो गुलाब का पानी है, देखो तो सब ने जो सूंगा, शर्मिंदा हो गए, माफिया मांग के चले गए। शम्स भाग गए क्योंकि अभी तक उसने जुदाई रखी थी, भाग गए, 2 बरस तक नजर नहीं आए। इस तरह रूमी को खरल में, पता है ये जो हकीम लोग खरल होती है उसमें कोई चीज डालते हैं और फिर उसको रगड़ते हैं यहां तक कि वो पिस के सुरमा बन जाए, इश्क में इस तरह सुरमा बनना है, तब जाके वो चीज मिलती है, तब जाके माशूक मिलता है। अपने आप को मिठा डालो, बेहतर ख्याल देना, कभी याद आया तो बैठ गए, कभी नहीं आया बोल लिया तो भूल गए, बोल का पता नहीं, बदी बुराई करते हैं, बदनजरियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, अरे सब जहान की बुराइयां हमारे अंदर बैठी हैं, उस दिल में बोल क्या करेगा, हमारा काम नहीं, बोल मत लो। बंदगी करने के लिए हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, बंदगी करने के लिए सुरमा जैसी, सुरमा सुरमा नहीं, सुरमा यानी ताकत वाले पहलवान जैसी कुवत चाहिए कि बदियों बुराइयों से बच सके, माशूक के बगैर और कोई चीज नहीं नजर आ सके।
अब हमारा समी राजा धर्मी राजा तेरे नाम सोरे मरो मनड़ो बांधो श्याम तना अभी आगत आवे वीरा श्याम तना अभी आगत आवे वीरा तिनको मैं लागूंगी पैया ओ जीरे भैया। लेकिन मुझे जो कहना था वो मैं कह के अपनी आवाज बंद करता हूँ। तेरी मेरी साया तेरी मेरी साया एक मन एक चिंता सभी राजा भरपूर रहिया हो जीरे भैया। सुखी रहो आबाद रहो जिंदा रहो। बोला आपकी नेक नियत को कबूल करे आपको अपनी बख्शिश देवे आपको ताकत देवे कि आप उसको खुश कर सको बदियो बुराइयों से बचावे शैतान के फरेब से बचावे कलयुग की हवाओं से बचावे हर उस चीज से बचावे जो उसे नापसंद है अपनी मोहब्बत का एहसास देवे नूर की बख्शिश देवे। Okay, I'll bother. Hi, Zendaya. Hi, Ramadan.